दोस्तों आज की कहानी है बहू, अब तुम्हारे मायके के लिए भी शॉपिंग हम करेंगे क्या? दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दरवाजे की घंटी बजी तो शिखा ने दरवाजा खोला, सामने कोरियर बॉय खड़ा था। शिखा ने अपना कोरियर लिया और अंदर आ गई। बहू तुम रोज रोज ऑनलाइन शॉपिंग करती हो, आखिर ऐसा क्या मंगाती हो तुम? सुलोचना जी शिखा का हाथ में कोरियर का पैकेट देखकर बोली, मम्मी जी आपको तो पता ही है मैं बाजार जाकर करने से ज़्यादा अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इससे समय की भी बचत होती है और कभी कभी कुछ ऑफर भी मिल जाते हैं। हाँ तो अभी 4 दिन पहले ही तो तुमने रसोई का सारा सामान मंगवा लिया था, फिर आज क्या मंगवाया है? मम्मी जी मेरी मम्मी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती तो उन्हें बाजार जाने में परेशानी होती है, इसीलिए मैंने उनसे मना किया था कि वह बाजार ना जाया करें, मैं ऑनलाइन मंगवा दिया करूंगी। डिलीवरी के लिए मैंने मम्मी का ही एड्रेस डाला था लेकिन उनके एड्रेस पर डिलीवरी कैंसिल हो गई, इस वजह से मुझे अपना एड्रेस डालना पड़ा। कल मैं मम्मी के पास जाऊंगी तो उनका सामान उन्हें दे आऊंगी, सिंका शिखा ने शांति से जवाब दिया। ये क्या कर रही हो बहू, अब तुम्हारे मायके का सामान भी हम ही मंगा कर देंगे? अब यही दिन देखने को बाकी रह गया था, आए दिन तुम वहाँ जाकर उनकी सेवा करती हो, अब उनका खर्चा भी हम उठाएंगे। सुलोचना जी सिलाते हुए बोली, मम्मी जी पहली बात तो पापा मुझे सारे पैसे दे देते लेकिन अगर मैंने अपने पैसों से उनके लिए सामान मंगा भी दिया तो क्या हो गया? आखिर मेरे माता पिता हैं, वो ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं और फिर सही में नौकरी ना भी करूं तो एक औलाद होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने माता पिता को भी कोई कमी महसूस ना होने दूं। मम्मी जी मैं यहाँ भी तो किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती, जिसको जो सही है वो देती, वो सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए समय पर सारे काम करती हूँ, ऑफिस के साथ घर भी पूरी तरह संभालती हूँ, तो फिर मैं अपने माता पिता का ख्याल क्यों नहीं रख सकती? केवल इसीलिए कि मैं लड़की हूँ। मम्मी जी अब जमाना बदल गया है, लड़के लड़की में कोई भेद नहीं, अब बेटी घुटेगी कि उसके माता पिता के लिए उनकी सेवा के लिए उनकी बेटी हमेशा तैयार रहेगी। शिखा ने आत्मविश्वास से भरकर कहा, तो सुलोचना जी के पास चुप रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उन्हें भी तो अपनी सेवा शिखा से ही करानी है।